क्रिसमस पर्व के अवसर पर क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक में सोमवार की शाम फादर डी आर लाल के नेतृत्व में कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया गया। उन्होंने पवित्र ग्रंथ बाइबल का पाठ करके प्रार्थना किया। प्रभु की महिमा में गीत गाया गया। पुरोहितों की जली मोमबत्ती से सभी लोगों ने अपने अपने हाथ में थामी मोमबत्तियों को प्रज्वलित किया। हाथों में जली मोमबत्तियां लेकर सभी चर्च के मुख्य द्वार के सामने झुंड में गीत गाए और प्रभु यीशु को याद किया। जिसके संबंध में फादर डी आर लाल ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत की ज्योति के रूप में जन्म लिया ताकि पाप रूपी अंधकार को संसार से मिटाकर मानव जाति में आनंद, शांति, क्षमाशील का करुणा, दया और आपसी सौहार्द वातावरण स्थापित हो सके। इन आदर्शों का स्मरण ताज़ा करने के लिए प्रतिवर्ष प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के पूर्व इस आराधना का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए क्राइस्ट चर्च के फादर डी आर लाल ने कहा, आया है, आया है यीशु, आया है, ओ हो, आया है। जंगल में मंगल दूत मिलेगा ते चलते रहो, आया है यीशु, आया है, क्यों कतले आया है। रात में देखन करड़िए चले, रात में दूतों से सुन के दूतों मसीह मरी यम का जाया है, आया है यीशु, आया। चलते रहो, चलते रहो, रुकोगे? रुक लो, लाइन में चलो, चलते रहो, चलते रहो, लाइन में जाओ। मेरा नाम रेवरेंड डी आर लाल है। मैं क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक पे, जो अति प्राचीन चर्च है, इसका प्रभारी पुरोहित हूँ। देखिए, हमारा वार्षिक पर्व जो सारे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, अर्थात क्रिसमस, वो नज़दीक है। और क्रिसमस के आने के पहले हम लोग बहुत सारे बच्चों के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, करते हैं। इसी कड़ी में आज शाम को ये जुलूस कैंडल लेके मार्च करता हुआ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से अंदर आए हैं। और अभी हम लोग अंदर कैंडल के साथ लाइट बुझा के, कैंडल के साथ हम कैंडल सर्विस करेंगे। कैंडल जो है वो ज्योति है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। ये पर्व जो मनाया जाता है क्रिसमस का, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में ज्योति बन के आए। क्योंकि ज्योति जो है वो निष्पाप का पर्याय है, जबकि अंधकार जो है वो पाप का पर्याय है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम जो मेरे अनुयायी हो, मुझको मानने वाले हो, तुम क्या हो? तुम भी ज्योति हो।
तो ज्योति जो है वो हमारे कार्यों को प्रदर्शित करती है, और यदि हमारे कार्य भले हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो एक मनमानव रूप में यहाँ पर धरती पर 3.5 वर्ष अपनी सेवा काल में जो बताया उन्होंने, और जो जीवन उन्होंने जिया, जो उपदेश दिया, जो उनकी दिनचर्या रही, उसके अनुसार यदि हम उसका अनुसरण करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और जब चलते हैं तो फिर हम एक ज्योति के समान हैं, और हमारी ज्योति जो है ऐसे लोगों के पास पहुँचती है जिन्हें प्रकाश की ज़रूरत है, अर्थात जो पाप में हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि सारे मानव जाति को पाप से उद्धार प्रदान करें, और अक्रूस पर प्राण दे के उन्होंने और तीसरे दिन जीवित होके इस कार्य को परमेश्वर की योजना के अनुसार बड़े अच्छे ढंग से पूरा किया। तो हम लोग बाकी डिटेल प्रोग्राम जो है वो 25 तारीख के पहले और भी प्रोग्राम, जैसे कल बच्चों का नेटिविटी प्ले है, इसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव से संबंधित ड्रामा पेश किया जाएगा, बच्चे उसको एक्ट करेंगे। और आज का जो पर्व है वो ज्योति से संबंध रखता है, और ज्योति जो है वो शुद्धता का, निष्कलंक, निष्पाप होने का पर्याय है, जबकि अंधकार जो है वो पाप का और बुराइयों का है। तो बुराइयों, अंधकार पे विजय प्राप्त करने के लिए आज हम इस पर्व को मनाते हैं, कि कैंडल लाइट सर्विस को, कि हम तमाम सांसारिक बुराइयों पर, द्वेष पर, ईर्ष्या भावना पे, झूठ पर, इन सबों पर हम जो अंधकार के पर्याय हैं उस पर हम ज्योति के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह संसार में लेके आए थे, हम इस पर विजय प्राप्त करके जगत को शांति का संदेश दें, पवित्रता का संदेश दें।